एक साल पहले की नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कितना शरीफ बंदा है ये और कितना धीमे धीमे बोलता है। पर एक साल में इस झोला मलिक का मुखौटा पूरी दुनिया के सामने उतर गया। एक्चुअली एक्सपोज तो ये उस वक्त ही हो गया था जब इसने अर्नब गोस्वामी के बारे में बकवास बात की थी, और अब तो जनता को पता चल गया है कि ये नेता नहीं एक गुंडा है। एक मिनिस्टर का ऐसा स्टेटमेंट, वो भी एक प्रीमियर एजेंसी के हेड के लिए, और वो भी तब जब सबको पता है कि समीर वानखेड़े कितना ऑनेस्ट ऑफिसर है। ये कांग्रेस का चरित्र है, एनसीपी भी कांग्रेस ही है, और शरद पवार ने अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए कांग्रेस से अलग होकर भी नाम रख लिया था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कितना नेशनलिस्ट है ये तो आम जनता अब समझ ही गई है। शरद पवार ने सिर्फ और सिर्फ गुंडों की फौज बना रखी है, इनकी बात से पता चल जाता है। शरद पवार प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली धमकाता है और नवाब मलिक डायरेक्टली समीर वानखेड़े को। पर जनता ने आज सुपर कॉप समीर वानखेड़े को ट्विटर पर ट्रेंड कराकर ये दिखा दिया है कि जनता देश के रियल हीरो के साथ है, बाकी नवाब मलिक जैसे झोला छाप मंत्री फेक हीरोज के तलवे चाटते रहेंगे।